दोस्तों आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे नी कैप के बारे में। नी कैप जो जिसको कई लोग नी सपोर्ट के नाम से जानते हैं, नी सपोर्ट का क्या फ़ायदा है और लेटेस्ट रिसर्च नी कैप के बारे में क्या आपको जानकारी देती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ नी सपोर्ट के बारे में मैं आपको बोलूँगा कि यह एक बहुत सस्ता विकल्प है नी की किसी भी प्रॉब्लम के ट्रीटमेंट के लिए। दूसरी चीज़, ये बहुत ही ईजी टू यूज़ है, यानी कि इसको बहुत आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसके कारण ये एक अच्छा विकल्प ट्रीटमेंट के लिए बन जाता है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो रिसर्च में लेटेस्ट शोध में वैज्ञानिकों द्वारा पाया गया, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे ज़्यादा शोध जो हुआ है वो गठिए की परेशानी, जिसको आप आम भाषा में ग्रीस कम का होना या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस की परेशानी के नाम से आप जानते हैं, इस परेशानी में सबसे ज़रूरी फ़ायदा यह देखा गया कि जो लोगों को पैर में अचानक से लचक महसूस होती थी या बैलेंस बिगड़ने की परेशानी आती थी, उन लोगों ने अब इस नी सपोर्ट को यूज़ करने के बाद ऐसा बताया कि उनकी जो पैर में लचक की परेशानी और बैलेंस की परेशानी है उसमें काफ़ी कमी आई है। दूसरी चीज़, जो लोग दर्द की वजह से बहुत सारी एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहे थे, वो लोग इस नी सपोर्ट के इस्तेमाल के साथ साथ बहुत ही आराम से काफ़ी एक्टिविटीज़ को वापस रिज्यूम कर पाए। तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कई लोगों को नी में काफ़ी समय दर्द रहता है या जिनका दर्द बहुत ज़्यादा रहता है, उनका नी पर से कॉन्फिडेंस, यानी कि उनका विश्वास ही नहीं घुटने पर से उठ जाता है। उनको लगता है कि घुटना वजन ही नहीं ले पाएगा। नी सपोर्ट के इस्तेमाल से उनको यह फीलिंग आती है कि अब घुटना थोड़ा स्ट्रांग हो गया है और घुटना सपोर्ट के साथ वजन ज़रूर ले सकता है। तो ये तीन इम्पॉर्टेंट रिसर्च की फाइंडिंग्स हैं जो कि नी सपोर्ट के यूज़ को बताती हैं कि किस तरीके से नी सपोर्ट पेशेंट्स के लिए यूज़फुल है। तो दोस्तों, ये आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।